जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जैसे दीपावली का त्यौहार आता है, खुशियों का त्यौहार है और प्रकाश का यह त्यौहार है, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन को प्रकाशमय बनाइए, एक नौकरी लीजिए और जीवन को इस अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलिए। दोस्तों चलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त कैसे हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं हमारे दोस्त, आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं। दोस्तों चलिएगा, तो हम लोग दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कर रहे हैं 17। उम्मीद करूंगा कि आपको ये भी प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसमें हर सेट में आपको 20 प्रश्न मिलते हैं और इन 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न बन पाते हैं अपने मन से, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी कहानी को, अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले दोस्त हम कुछ लाइन से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। देखिए आपके सामने मैं यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ हूँ, ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। प्यारे दोस्तों जो लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आप लोग अभी अपना लाइन ताइन बदल दीजिए, संभल जाइए, क्योंकि देखिए जिसके चक्कर में आप अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं वह आपके लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि आप सोचते हैं को हमारे लिए है और वही सबसे बेस्ट है। मेरे मित्रों वो भी आपको कहेगी कि आप हमारे लिए बेस्ट हैं, आपके सिवा कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही आपसे बेहतर उसको मिल जाएगा आपको ऐसे छोड़ेगी जैसे कि पता ही नहीं चलेगा वह कभी आपको जानती भी थी कि नहीं जानती थी। तो मित्रों मैं आप लोगों से ही गुजारिश करूंगा कि उन तितलियों के चक्कर में ना पड़े जो लोग जो आपके जीवन को बर्बाद करने वाली है। अगर आपको किसी के चक्कर में पड़ना है, जीवन को प्रकाशमय बनाना है दोस्त, तो वह एक ही चीज है, वह है किताब। इन किताब के चक्कर में पड़िए, विश्वास कर एक विश्वास मानिए कि आपका जीवन प्रकाशमय होगा, वैसे हजारों आएंगी और चली जाएंगी। दोस्तों चलिएगा, देखिए हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे और मेरी बातों को कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं नो डाउट, लेकिन दोस्त संभलने की बात है, संभल जाइए। चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लेते हैं। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है। आप लोग अपने साथ में पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और सवाल को हल करने का प्रयास करिए दोस्त, क्योंकि जब तक आप अपने खुद नहीं लगाएंगे तब तक आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। हालांकि दोस्त मैं पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि आपको हर एक सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, जो शॉर्टकट तरीका होगा, छोटे से छोटा इसका जो सब सॉल्यूशन होगा सब मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपए है, यदि 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य होगा। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, जब साइकिल का मूल्य क्या है 2700 रुपए है, 10% छूट दिया गया मतलब कितना परसेंट में बेचा गया, इसको 90% पर बेचा गया है। 90% मतलब 90/100 में बेचा गया है, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो आएगा, 9 7 63 आएगा, 0 के बाद 3 आएगा दोस्त, 0 के बाद 3 आएगा, 0 के बाद 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में 0 के बाद 3 है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई इसका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये सब तरीका होते हैं दोस्तों समय बचाने का। ठीक है, ये सब तरीका होते हैं समय बचाने का, बाकी कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है। आइए अब इसका जवाब आप दीजिए क्या होगा, इसका जवाब आप दीजिए भाई क्या होगा बताइए। दूसरा प्रश्न का आंसर आप करिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। आप लोगों को आवाज आवाज बढ़िया से आ रहा है दोस्त, चलिए इसका जो बताइए आंसर क्या होगा। और सर आपसे बता दूं कि आप लोग पेपर पेन लेकर बैठेंगे और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है सर तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे और चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों के साथ शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक जोड़िए, पहुंचाइए वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सके, पा सके, पढ़ सके दोस्त। ठीक है, चलिए तो इसका प्रश्न का जो ये जो प्रश्न दिया गया है इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि 20 लड़कों की एक समूह की औसत 20 लड़कों की एक समूह की औसत आयु क्या है, 25 वर्ष है,
15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है और समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु बताइए क्या होगा। नए लड़के की आयु बताना है, 20 लड़कों का औसत क्या है 25 वर्ष है, तो 20 लड़कों का आयु क्या हो जाएगा दोस्त, 25 का गुना करेंगे 20 में तो 500 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, एक नया लड़का शामिल हुआ है 15 वर्ष की आयु के स्थान पर, 15 वर्ष की आयु के स्थान पर एक नया लड़का जो ही आया है, औसत आयु में कितना की वृद्धि हो गया, 2 की वृद्धि हो गया, यानी 25 था 27 हो गया, 25 था औसत 25 था लेकिन अब क्या हो गया 27 हो गया। 27 क्यों हो गया, क्योंकि एक 15 साल का लड़का गया है और वह नया आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 25 का गुना कर दीजिए, यहाँ से 25 का गुना करिए भाई क्या होगा, देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 20 होगा क्योंकि 20 लड़के तो वही हैं, लड़के क्या हैं, लड़के वही हैं, 20 ही लड़के हैं भाई, एक गया एक आया है, तो लड़कों की संख्या नहीं बड़ी बदला है, यानी 20 ही लड़के हैं, सॉरी गलती हो गया है, 25 कर दी हमने, 25 औसत था, औसत 2 की बढ़े के 27 हुआ है, लड़के तो अभी 20 ही हैं, तो अब क्या हो जाएगा 27 × 54 540 हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये जो है नया जो इसका औसत आया है वो कितना आ गया 540 आ गया भैया। नए लड़के की आयु क्या हो जाएगा देखिए, यहां से निकालिए पहले कितने का अंतर है, 40 का अंतर है, 40 का अंतर है, यानी नए लड़के की आयु पूछा है भैया। नया लड़का जो आया है, जो पुराना लड़का 15 वर्ष का गया है, उसकी भी आयु को कवर किया है, उसकी भी आयु को क्या किया है, कवर किया है, 15 साल इसमें और जोड़े देंगे, क्या हो जाएगा 55 वर्ष, 55 वर्ष हो जाएगा नए लड़के की आयु, नए लड़के की आयु क्या हो जाएगा दोस्त, 55 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में आपको, बताइए कोई दिक्कत है समझने में तो आप लोग बता सकते हैं, बाकी हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए मित्रों बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट करिए, चला लो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फटाफट आंसर बताते रहे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, लास्ट में मित्रों आपको मैं एक प्रश्न देता हूं हल करने के लिए, उसको भी आप लोग लगाइए, ठीक है, लास्ट में एकदम मिलेगा आपको एक प्रश्न और उसका सलूशन मैं अगले वीडियो में करता हूं। तो ये सब बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है, ठीक। आइए, यहां पर कहा गया कि अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। भैया रे, एक आदमी कौन है, अनिल है, और एक आदमी कौन है, तो करण है, ये किसी काम को मिलके करते हैं तो 20 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे कहा है, करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिन में करते हैं, करण और हिमांशु मिल जाते हैं, करण और हिमांशु मिलते हैं तो वही काम को ये लोग 25 दिन में करते हैं, कितना दिन में करते हैं भैया, 25 दिन में करते हैं। फिर अगली लाइन कहा है कि हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। लो भैया, कौन कौन कर सकते हैं, हिमांशु और अनिल, हिमांशु प्लस अनिल, वही काम है, कितना दिन में कर सकते हैं, तो ये लोग 50 दिन में कर सकते हैं, यहां तक डाटा दिया गया। अब पहले हम निकालेंगे टोटल काम क्या है, तो इन तीनों का लसा जो होगा वही कुल काम हो जाएगा, तीनों का लसा हो जाएगा मित्रों कितना, 200, तीनों का लसा क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है, तीनों का लॉस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्लियर है, तीनों का लॉस क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी टोटल काम कितनी है, 100 है। अब देखिए 20 × 5 = 100, ए प्लस के का, यानी अनिल और करण की क्षमता क्या आ गई मित्रों, 5 आ गई, 25 × 100, यानी करण और हिमांशु की क्षमता क्या आ गई, 4 आ गई, हिमांशु प्लस अनिल का क्षमता क्या हो जाएगा, 50 × 100, 2 हो जाएगा। जब तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, क्षमता को जोड़ेंगे, तो एक व्यक्ति या 2 बार आ जाएगा, एक ही व्यक्ति 2 बार आएगा, अनिल प्लस करण प्लस हिमांशु, ये 2 बार आ जाएंगे, 2 हम ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, क्षमता क्या हो जाएगी, 5 × 9 = 11 हो जाएगा, यहाँ से 2 हटाएंगे, ये 2 हटेगा यहाँ से, इसके नीचे आ जाएगा 2, यानी अनिल प्लस करण प्लस हिमांशु की क्षमता क्या आ गई, 11/2 आ गई। हमसे क्या पूछा है लास्ट में, देखिए हिमांशु अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो हमें हिमांशु का क्षमता की आवश्यकता है, तो हिमांशु की क्षमता की आवश्यकता, जिसमें हिमांशु नहीं है उसी को घटा दीजिए, हिमांशु इसमें नहीं है, हिमांशु इसमें नहीं है, इसी को, इसकी क्षमता क्या है, 5, 5 को घटा देंगे यहाँ पर, 5 घटा दीजिए यहाँ पर, घटाइए 5 × 10, 11 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 11 में से 10 गया तो 1/2 बचेगा, क्लियर है।
1/2 हो जाएगा। यानी हिमांशु की क्षमता की बात करें मित्रों तो 1/2 हो जाएगा। तो हिमांशु यही 100 काम अगर करेगा 1/2 की क्षमता से तो कितना दिन में काम समाप्त कर देगा, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 दिन। 200 दिन में यहाँ पर हिमांशु अकेले उस काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अगर सवाल को समझने में दोस्त दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आया है भैया। अब इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। देखिए, आपको यहाँ पहले भाग देना होता है। इससे काटेंगे 20, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 0, 2 2 4 यहाँ पर आ गया माइनस। 4 से भाग दीजिए, 4 2 8, 2 बचेगा 4 5 20, 4 2 8 ये हो जाएगा। अब प्लस 5 5 25 हो जाएगा दोस्त, 5 5 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ पर भाग देकर देखेंगे, यहाँ पर 4 2 8 2 बचेगा, 4 5 20, 4 2 ठीक है। यहां से दोस्त आप क्या करिए, 25 और यहाँ पर ये 202 घट जोड़ेंगे तो 200 क्या हो जाएगा दोस्त? 227 हो जाएगा। अब घटाना है क्या? 252, 252 घटाएंगे। 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, इकाई के अंक 5 आएगा, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखते हैं। या 252 बड़ी है, इसका साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस का 225 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर दोस्त 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आइए मित्रों। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। मौसक दिया गया है, इसका मौसक क्या होगा निकालना है आपको, बताना है कौन सा विकल्प इसका आंसर होगा। 84, 126 और 167 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, HCF कैसे निकालते हैं? HCF को निकालने के लिए, HCF बताने के लिए, मतलब HCF क्या होगा ये सब चीजों को बताने के लिए दोस्त सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वह होता है ऑप्शन मेथड, यानी ऑप्शन से हल करते हैं। तो ऑप्शन से हल कैसे करते हैं इस बात को हम समझाएंगे। इस बात को समझने के लिए मित्र सबसे पहले जो जरूरी है वह है मौसक किसे कहते हैं, मौसक की परिभाषा को समझना। मौसक किसे कहते हैं दोस्त? सबसे पहले बताइए, HCF यानी महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए, महत्तम होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, जिन संख्याओं का मौसक निकालते हैं उन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दें। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या मौसक होती है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 49 है। अब ये चेक करना है क्या 49 से तीनों संख्याएं कटेंगी या 84, 126 और 167। तो हम देखेंगे भैया 49 से तो 84 ही नहीं कट रहा है, 49 से 84 नहीं कट रहा है, मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 49 नहीं सही होगा। 49 नहीं सही है, 49 तो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 44 है। 44 देखिए भैया, 44 की अगर बात करें हम, 44 से क्या 84 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जब एक नहीं कटा दूसरा भी नहीं कटेगा, कटे के क्या करेगा? तीनों कटना चाहिए ना, तीनों कटेगा तब आंसर सही है। 40 भी नहीं होगा तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 42, ठीक है, 42 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 42 यानी चौथा विकल्प इसका सही आंसर होगा। ये होता है दोस्त मौसम निकालने के सबसे आसान तरीके ऑप्शन से। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब आइए दोस्त, ये छठवां प्रश्न को एक बार आप लोग पढ़िए, पहले छठवां प्रश्न को आप लोग पढ़िए, उसके बाद बताइए आंसर क्या होगा। नमः शिवाय, बताइए छठवें प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, छठवां में प्रश्न में क्या कहा गया है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। हीरे की कीमत 87,880 रुपये है, यह दो टुकड़ों में टूट जाता है जिनके वजन का अनुपात 5:8 है। टूटने के कारण होने वाली हानि क्या है?
जब हीरा टूटा है दो टुकड़ा में तो कुछ ना कुछ हानि हो गया, तो हानि क्या है यह बताना है दोस्त। मित्रों इसका वजन की बात करते हैं, तो वजन 5 संबंधी 8 दिया है, लेकिन कह रहा है कि इसका जो कीमत है वजन के वर्ग के अनुपाती समानुपाती होता है, यानी जो इसकी कीमत है, कीमत मतलब मूल्य जो है, मूल्य क्या है दोस्त, तो मूल्य है इसके वर्ग के समानुपाती, मतलब 5 5 25 हो जाएगा, 8 2 64 हो जाएगा, 8 2 64। अब ये मूल्य हो गया, मूल्य का अनुपात 25 से संबंधित 64 हो गया। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, भाई कितने की हानि हो रही है, अंतर कितने का हो रहा है देख लीजिए। आप यहाँ पर देखिए अंतर अंतर भैया कितने का आ रहा है, यहाँ पर 64 होगा भाई, ये 64 है, 65 नहीं 64 है, ठीक है। देखिए 14 में से 5 गया तो बचेगा 9, 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, 39 में एक अभाज्य संख्या छिपी होती है जिसका नाम है 13, 13 या 39, 13 क्या है एक अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। भाई ऑप्शन वही सही होना चाहिए जो 13 का मल्टीपल हो, जो 13 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वही इसका राइट आंसर होगा। तो आप देखिए कौन सा विकल्प है जो 13 से कट रहा है, पहला विकल्प देखिए 41 600, 41 600 ये 13 से कटेगा, 13 या 39 2 बचेगा, 13 2 26, 13 से कटने वाला पहला ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, 41,600 रुपये का नुकसान हुआ है, हानि हुआ है। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चलिएगा आगे चलते हैं, और आप लोग भी क्या करिए दोस्त, वीडियो को पोस्ट करके सवाल को लगाइए, हर एक सवाल महत्वपूर्ण है आप लोगों को, हमने बहुत पहले ही बता दिया शुरुआत में ही, तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे, सवाल हर एक सवाल महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा 7वां प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर आपके सामने, इसका आंसर करेंगे आप सभी मित्र, लगाओ रे भैया जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई आप लोग। देखो भैया क्या कहा है रे इसमें चेला, इसमें कहा है कि टी अकेले एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। लो चेला, टी है जो एक व्यक्ति, वह एक काम को 90 दिन में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, 90 दिन में क्या करेगा, पूरा कर देगा। लेकिन कहा है चेला कि उसी काम का 20% भाग कितना दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर समझने का बात यहाँ पर यह है, कोई भी काम है वह 100% होता है, 100% काम है, इस 100% को कितना दिन में काम कर सकता है, 100% को जब करेगा तो यहाँ पर 90 दिन में काम को समाप्त कर देगा, 90 दिन में करेगा, 20% काम को कितना दिन में करेगा, तो 20% का मान निकाल दीजिए यहाँ पर, 20%, तो 20% 100 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे चला, 100 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको कर दीजिए 5 से भाग, 5 से भाग यहाँ पर करिए, 5 से भाग यहाँ पर करिए, तो 20% 18 5 90 18 दिन में समाप्त कर देगा, क्या दिन में चला, 18 दिन में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है कोई दिक्कत, चलिए अगला प्रश्न लगावा हो भाई, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो सभी लोग भाई, सभी लोग इसका आंसर देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हुआ चला बताएंगे आप लोग। देखिए 9,900 रुपये को एक्स वाई जेड के बीच 7 12 14 के अनुपात में बांटा गया है, वाई का हिस्सा बताइए, वाई का हिस्सा बताना है, वाई का हिस्सा क्या है दोस्त, यहाँ पर वाई का हिस्सा 12 है, 12 बटे टोटल हिस्से कितने हैं, 12 7 19, और 19 और 12 7 19 और 14 क्या हो जाएगा, 19 और 14 33, टोटल हिस्सा 34 33 है, गुना कितने का, 99 100 का, 33 से भाग दिए, 33 3 99, 13 12 3 3600, 12 3 3600 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 3600 मित्रों इसका राइट आंसर है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बताओ भैया इसका उत्तर क्या होगा,
इसका आंसर बताओ भैया क्या होगा इसका राइट आंसर। और दोस्त डेली सुबह आपको मिलेगा रेलवे की जो तैयारी करते हैं, चाहे एएलपी टेक्नीशियन जो भी है, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, उसका भी मैथ का प्रैक्टिस सेट चलता है जो कि सुबह आपको मिलते हैं 7 बजे। तो आप लोग जो लोग रेलवे के लिए हैं वो लोग भी अपना तैयारी कर सकते हैं, मजबूती बना सकते हैं। दोस्त जल्द ही मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से क्लास चलाने वाला हूँ, जल्द ही चलेगा दोस्त, थोड़ा सा ये समय लग रहा है और आप लोगों के बीच में आया जाएगा। ठीक है, हर एक विषय के यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्लास मिलेंगे। ठीक है, आइए अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक वस्तु 20% की हानि पर 4400 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का बताइए क्रय मूल्य क्या है। दोस्त वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, 20% की हानि मतलब 80% पर बेचा जा रहा है, 80% पर कितना में बेचा जा रहा है, तो 4400 रुपये में बेचा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%, 100% का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4400 बटे में 80 गुना 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 1 0 बचा, 1 0 ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 55 के बाद 00 आएंगे मित्रों, 55 के बाद 00 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और 1 जो विकल्प है वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, पहला विकल्प इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग दोस्त वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जानते हैं भैया, जब आप लाइक करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, ताकि जैसे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ लाइक करिए, कमेंट करिए, जो दिक्कत है आप बताइए दोस्त। ठीक है, देखिए आपकी समस्याओं का समाधान करने का मैं भरपूर प्रयास करता हूँ, समय लग सकता है दोस्त, लेकिन यह कभी मत सोचना कि समस्या जो है, जो चीज नहीं आता है नहीं बताते हैं, बताएंगे भाई, सब कुछ बताएंगे, समय लग सकता है भाई। ठीक है, समय लग सकता है, इसमें कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य कौन सी संख्या है। दोस्त बताइए 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 का विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 4 के विभाज्यता का नियम क्या है। भाई 4 के विभाज्यता का नियम यह है, इकाई और दहाई के अंक यानी लास्ट के 2 अंक अगर 4 कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। अब देखिए इसमें लास्ट के 2 अंक क्या है, 34 जो कि 4 से नहीं कटेगा, यहाँ पर क्या है 42 जो कि 4 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 70 है 4 से नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 3 48 है। लास्ट में 4 अंक क्या है, दो अंक क्या है दोस्त, 48 है, लास्ट के 2 अंक क्या है, 48 है, 48 चार से बिल्कुल कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाती है, ये सब होते हैं तरीका दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भैया कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बताइए, लड़के कितने हैं ये बताना है भैया। अगर 40 विद्यार्थी टोटल हैं जिनमें से लड़कियां हैं कितनी, 30, सॉरी ये 30% हैं दोस्त, नहीं, क्या बोला है, 30% नहीं, ठीक है, 40 विद्यार्थी टोटल हैं जिनमें से लड़कियां कितनी हैं, 30 हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे मित्रों, लड़के हो जाएंगे 10, कितने परसेंट होंगे लड़के, तो 40 का होगा 10, 40 का 10 गुना 100 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 1/4 का मतलब होता है 25%, क्या परसेंट, 25%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को होना नहीं चाहिए। चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है यहां पर, दो क्रमिक छूट 30% और 10% देने के बाद एक वस्तु 4964 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों? वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? आप लोग बता देंगे जरा फटाफट। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य MP है, दो छूट दिया गया है 30%, 30 का मतलब छूट दिया गया है, बिका कितने में? 70 में, 70/100 हो जाएगा, गुना इन 10% का छूट दिया गया, बिका कितने में? 90% पर, 90/100 हो जाएगा। लास्ट में बिका है कितने में? 4964 रुपये में बिका है, यह 4964 के बराबर हो जाएगा। ठीक, दो जीरो से दो जीरो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक है भैया, एमपी क्या हो जाएगा? एमपी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 4964/00/ 9/7/63, या फिर कह सकते हैं हम 7×9 कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे भाग देना है आपको, 9/7/63 हो जाएगा, 63 से भाग दीजिए कितनी बार जाएगा? 63 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्त? आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके, कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुछ आप भी हल करो भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिएगा, इसमें कहा गया एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है, इसका आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन होता है दोस्त, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, πr³ होता है। ठीक है, यहां पर बस मान रख देने हैं आपको, 2/3, पाई का मान 22/7, 22/7, आर का मान है 3.5, 3.5 क्यूब करना है, क्यूब है यहां पर, तो 3 बार गुना कर देंगे इसका, 3.5 गुना 3.5। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, काट पीट करिए, 7 से भाग देंगे, 7×5 = 35, 3.5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग देना, गुना करके 3 से भाग देना है आपको दोस्तों, गुना करके 3 से क्या करना है तो भाग देना है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए दोस्तों आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसमें कहा गया कि 22 पुरुषों के एक समूह में दो पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है, को दो नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो दो नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? देखिए दोस्त, 22 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं? 22, औसत क्या है? 58 है, 22 का 58 नहीं औसत, दो पुरुषों की जिनकी औसत आयु क्या है? 58 है, दो पुरुष ऐसे हैं जिनकी औसत आयु क्या है? 58 है, तो उनका युगफल क्या हो जाएगा? 116 हो जाएगा। ठीक है, 116 हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा? आयु का योग क्या हो जाएगा? 116। समूह से निकले हैं, इनके स्थान पर दो लोग नए आ गए हैं, तो जब आए हैं तो औसत का क्या हो गया है? दो कम हो गया है, यानी औसत में दो की कमी हो गई। भाई औसत में कमी हो गई दो की, किसमें? औसत में, कितने लोगों की औसत में? भाई पहले 22 थे, दो लोग निकले हैं, दो लोग आए हैं, तभी भी कितने हैं? 22 लोग हैं, अभी भी कितने हैं दोस्त? 22 लोग हैं, तो 22×44 हो जा रहा है औसत, 22×44 की क्या हुआ है? इतने की कमी हुई है, 44 की कमी हुई है, तो इसका मतलब कमी तो निकाल दीजिए, बाकी जो बचे हुआ दो लोगों का क्या है? औसत, दो लोगों का क्या है? आयु का योगफल है, तो यहां से हो जाएगा 2×11 में से 4 गया तो बचेगा 7, तो दो जो दो नए आए हैं उनकी आयु का योग क्या है? 72 है, तो इनका औसत पूछा है दोस्त, 2 से भाग कर देंगे तो 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर यहां पर है कौन सा, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर दोस्त 15वां है और यहां पर बोला गया है, देखिएगा यहां पर कहा गया है कि 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3836.8 रुपए है वार्षिक ब्याज दर। बताइए ब्याज दर लगता है अर्धवार्षिक, कैसा लगता है अर्धवार्षिक। तो 1.5 साल में 3 अर्धवार्षिक होंगे, आप यहां से निकाल लीजिए। जानते हैं क्या, यहां इससे निकाल लीजिए दोस्त, आप यहां पर निकाल लीजिए 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए। नहीं समझ पाते हैं 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, तो इसको आप मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल लीजिए। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालिए। आप रेट तभी निकाल सकते हैं जब आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता हो। तो देखिए मूलधन क्या है दोस्त, तो मूलधन यहाँ पर देखिए 2200 रुपये है, 2200 है, ठीक है। मिश्रधन क्या हो जाएगा, ये ब्याज है यार, ये मूलधन में जुटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, इधर 0.8 तो रहा करेगा और यहाँ से 36 हो जाएगा और यहाँ से 8 2 10 की जीरो, यहाँ से ले 2 2 3 5 1 6 इतना हो जाएगा। यहां से दोस्त 0.5 जब हटाइएगा यहाँ पर नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया। इसको पहले काटिए आप 11 से, तो 11 2 ना 22, 2000 हो गया, 11 5 55, 5 बचेगा हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, 11 5 55, 5 53, 11 44, 44 6 बचेगा हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा 96, 11 8 88, 11 8 88, 88, 96 में से 88 घटाना है तो क्या बचेगा दोस्त, 8 बचेगा, फिर हो जाएगा 88, 11 8 88, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसको और 2 से काट लीजिए, 2 से काटिए। देखिए क्या है ना, नीचे जो है यहाँ पर इसको आपको क्यूब बनाना है, क्यूब तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। ऊपर वाला भी 2 से काट लेंगे आप, 2 2 4 2 7 14, सॉरी 2 2 4 2 7 14 और 2 4 8, 2 4 8, ठीक है। इसका निकालना है दोस्त, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालेंगे इसका, क्यूब रूट निकाल दीजिए, क्यूब रूट निकाल दीजिए इसका, क्यूब रूट निकालिएगा तो ये तो हो जाएगा 10, यहाँ पर 4 है तो इकाई अंक जब 4 होता है दोस्त, क्यूब निकालने का तरीका होता है जब इकाई अंक 4 होता है उसको जोड़ के 10 बनाते हैं, तो 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ये जो 2 बचा 3 का जोड़ा लगा देंगे, 3 का जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। 3 का जोड़ा लगाइएगा तो यहाँ 2 किसके घन के आसपास आता है, 1 के, तो हो जाएगा 16, ठीक है। इसका दोस्तों निकालेंगे क्यूब रूट, क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। देखिएगा यहां से तो 1000 का क्यूब रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका निकालना है तो यहां पर क्या करिए, आप 3 का जोड़ा लगा दीजिए, अगर इकाई अंक 4 है तो यहां से 4 ही आएगा इकाई अंक, क्यूब का भी अगर क्यूब का इकाई अंक 4 है तो क्यूब रूट का भी इकाई अंक 4 ही आएगा। अब ये देखेंगे 2 किसके घन के आसपास आता है, तो 1 के, ये हो जाएगा 14, यानी 10/14 हो गया दोस्तों। कितना ब्याज मिला यहाँ पर, 4 ब्याज मिला है, किस पर 10 पर, किस पर मिला है 10 पर, गुना 100, गुना कितना 100, तो यहाँ से काटेंगे हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 40%। ये 40% जो ब्याज आया है ये कैसा ब्याज है, तो 6 माही है, कैसा ब्याज है, 6 माही है, 6 6 महीने पे 40% लगते हैं, वार्षिक क्या हो जाएगा, तो 2 गुना कर देंगे इसका, 40 गुना 80, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या हो जाएगी दोस्त, 80% वार्षिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब, ठीक है भाई। चलें आगे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो कि 17वां 16वां प्रश्न आपके सामने आया है, देखिए एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 50% की दर से घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था दोस्तों, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया था, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, 100 रुपया था। अब ये घट रहा है 50%, यानी 50% मतलब 1/2, 2 से 1 कम, 1 हो गया, यानी 1/2 हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है,
ठीक है, बराबर 3 वर्ष की बात है, 3 बार गुना करेंगे, 3 वर्ष की बात है तो 3 बार गुना करिएगा यहाँ पर, फिर आधा हो जाएगा रहा है, ठीक है। और ये घटने के बाद क्या हुआ, 75,000 हो गया, 75,000 हो गया, ठीक है। गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से गुना करना है इसमें, तो 3 जीरो तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर, 3 जीरो, 8 5 40 के जीरो हासिल का 4, 8 7 56 4 60, क्या हो जाएगा, 6 लाख, 6 लाख ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग भी अपना रिव्यू देते रहें मित्रों, आपको सवाल कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कंसेप्ट कैसा लग रहा है दोस्तों, जो शॉर्टकट तरीका है जितना हो सकता है मैं उतना करने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है आप कितना इस पे काम कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो कि आपके सामने यहाँ पर आ गया है, प्रश्न नंबर 17। अमन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता, समय पर पहुंचने के लिए कार की चाल क्या होगी दोस्तों। समय पर पहुंचने के लिए कार की चाल बताना है दोस्त, तो कार की चाल बताने के लिए दोस्त यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर मैं चाहूंगा आप लोगों से, एक एक स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे दोस्तों, इसका आंसर हर एक विद्यार्थी बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, और कल जब हम जो अगला सेट लेकर आएंगे तो पहले नंबर हम इसी प्रश्न पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहले नंबर आपको क्या करना है, इसको हल करना है, आप लोग बताएंगे, आप लोग पहले इस सवाल को हल करिए, आप अपना आंसर बताइए, कल हम जब शुरुआत करेंगे तो देखिएगा कैसे लगाना था, क्या था इसका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्त, और अगला प्रश्न लेते हैं जो कि प्रश्न नंबर कौन सा है, तो 18वां है आपके स्क्रीन पर। इसमें कहा गया कि दो अभाज्य संख्याओं यक्स तथा वाई, जो यक्स क्या है वाई से छोटा है, इसका लघुत्तम 41 है, तो वाई माइनस का 5 x का मान क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्त एलसीएम कितना है, यहाँ पर एलसीएम दिया गया है 141, 141। अभी वह संख्या क्या होगी, तो पहले आप क्या कर दीजिए, इसका फैक्टर कर दीजिए दोस्तों, इसका फैक्टर कर दीजिए, 141 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 141 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 141 किससे कटती है भाई, देखिए यहाँ पर दो तो दो से कटेगा नहीं, 3 से 4 2 6, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे, 3 से काटिए, क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 सात 21, 3 चौक 12 2 बचेगा, 3 चौक 12 2 बचेगा, 3 सात 47 हो जाएगा, यानी यक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह यक्ष है, यक्ष क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा दोस्तों वाई, वाई क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी y क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि y माइनस 5 x का मान बताइए, तो लगिए यहाँ पर रखिए मान, y का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 47 माइनस 5 गुना x का मान क्या है 3 है, 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 15, इसमें से 15 घटा दीजिए तो 7 में से 5 गया 2 बचेगा, और 4 में से 3 1 गया तो 3 बचेगा, यानी 32 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 32 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है भाई। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये कौन सा प्रश्न था भाई, ये प्रश्न नंबर कौन सा था, यहाँ पर 18 था, यह प्रश्न नंबर कौन सा है, यह 19वां प्रश्न है दोस्तों। चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, पहले नंबर प्रश्न को दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए भाई यहाँ पर क्या कहा गया, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष में के लिए 11% की दर से साधारण ब्याज का अंतर क्या है दोस्त, 132 रुपये, वह धनराशि बताइए।
आइए दोस्तों, इसको हम बताते हैं शॉर्टकट तरीका प्रतिशत के मेथड से, परसेंटेज के मेथड से इस सवाल को कैसे हल करिएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है भैया, 8 साल और 9 साल की बात है, रेट वही 11% है, तो 80% लगा दीजिए दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं, हमने बहुत बार इसका डिस्कस किया है, 80% क्या होता है, यह ब्याज होता है, SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। 8 वर्ष के लिए ब्याज क्या है, 11 है, यहाँ पर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 8 × 88 हो जाएगा, यहाँ से 88%। और 9 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ब्याज का अंतर क्या आ गया यहाँ पर, ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर क्या आ गया दोस्त, तो 11 आ गया भाई, यहाँ से 11 का अंतर है, 11% यहाँ पर क्या हो गया ब्याज का अंतर। लेकिन 11 का ही मान यहाँ पर क्या कितना दिया है, 132 रुपए दिया है, 132। 11 से काटेंगे तो 11 × 11 = 22, 12 हो जाएगा। 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1% का मान हो जाएगा 12। अगर 1% का मान 12 है तो मूलधन जो होता है 100% होता है, 100 का मान निकालने के लिए 100 से 12 में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 1200। 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1200 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर बताइए, कोई दिक्कत आपको है यहाँ पर समझने में दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, और ये है आज के सेट का लास्ट प्रश्न, ये है दोस्तों आज के सेट का लास्ट प्रश्न, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। एक कल का प्रश्न जो दिए थे हमने कल के सेट में, उसको हम डिस्कस करेंगे, और आज के लिए एक प्रश्न आपको देंगे हल करने के लिए दोस्तों। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 10% की हानि पर बेच दिया, खरीदा 10% हानि पर बेच दिया, यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों वस्तु को खरीदा कितने में, 100% पर खरीदा, 10% की हानि यानी 90 पर बेच दिया, 90 पर बेच दिया। अगर 30% कम में खरीदा होता भाई, 90 पे ना खरीद के वह 30% कम यानी 70 में ही खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता, अगर यहाँ से 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता दोस्तों, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको लाभ कितने का होता, 40% का लाभ होता। इसका 40% निकाल दीजिए क्या हो जाएगा दोस्त, इसका 40% निकाल दीजिए क्या हो जाएगा, 7 × 28 रुपये हो जाएगा, 28 रुपये, यानी 28 रुपये अधिक में बेचा होता तो 28 और 70 क्या हो जाएगा, 98, तो 98 में बेचा होता, 98 बेचा होता। अब देखिए यहाँ पर पहले बेच रहा था कितने में, 90 में, अब बेच रहा है कितना में, 98 में। क्यों 98 बेचा, क्योंकि 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। परसेंटेज में कितना ज़्यादा में बिका, 8, 8 का मान कितना है दोस्त, 20 है, तो यहाँ पर 100 का मान क्या हो जाएगा, 100 का मान क्या हो जाएगा, 20/8×100, ठीक है, 4 × 8, 4 × 5 = 20, 5 × 10 सोरी 2 × 5 = 10 50 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 250। तो उसका जो क्रय मूल्य है दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य है वह कितना है, 250, 250 रुपये हैं, ठीक है, 250 रुपये हैं दोस्तों। ये 20 प्रश्नों में से आपको किसी भी दिक्कत, किसी प्रश्न में अगर दिक्कत है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं कल का जो प्रश्न था, कल का जो प्रश्न था दोस्तों उसको हम यहाँ पर लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा पाते हैं तो पास प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखिए भाई, अगर एक व्यक्ति है, एक लड़का है, छात्र है, जो 25% अंक लाया है और 210 नंबर से फेल हो गया, अगर 210 नंबर पा जाता और 25% तो लेबर किया है तो बताइए पास होता कि फेल होता, 25% तो पाया है, अगर 210 नंबर वह ला लिया होता तो पास हो जाता बताइए, तो अगर 210 नंबर ला लिया होता तो वह पास हो गया होता, ठीक, ये पास का, ये पासिंग नंबर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 55% लाया नंबर, लेकिन क्या होता है जब 55% लाया है तो पासिंग जितना था उससे ज़्यादा नंबर लेकर आ गया, कितना नंबर ज़्यादा लाया है, 240, तो 240 घटा देंगे, ये भी क्या है, पासिंग नंबर है, ये दोनों पासिंग नंबर हैं, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे,
दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 55% और 25% का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30, 30%, ठीक 30% यहाँ पर जुट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 450, 450, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, क्या पूछा है, पासिंग परसेंट पूछा है, पासिंग परसेंट पूछा है दोस्तों, ठीक है, पासिंग परसेंट पूछा है, कोनो बात नहीं है। पासिंग पासिंग पास के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए पूछा है आपसे। देखिएगा, अगर हम 3 से काटते हैं, 3 शिशु काटिए, तो 15 3 45, 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 1% का मान यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15, 1% का मान 15 हो जाएगा, तो 210% का, 210 नंबर का कितना परसेंट होगा, 210 नंबर है इसका, ये जो है कितने परसेंट हो जाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर, 1/1/15 और गुना में कितना, 210, 210, ठीक है। तो 15 से काटिए, या 5 से 6 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए इसको, 5 5 3 15, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे, 14 3 42, 14 बार में कैंसिल, यानी 210 नंबर जो है वह 14% के बराबर है। तो 14% अगर आप इसमें 25 में जोड़ेंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 14% जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 39%। तो पासिंग जो परसेंट है दोस्त, वह 39% है, पासिंग परसेंट क्या है, 39% है। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ पर घटाना पड़ेगा, यहाँ जो प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। 39% क्या है दोस्तों, 39% क्या है, पासिंग परसेंटेज है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट है यहाँ पर। आप लोग दोस्तों वीडियो को देखते हैं, सवाल को लगाते हैं, लेकिन लास्ट तक नहीं जाते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए, बेहतरीन सा प्रश्न होता है, एक लगाने के लिए हम देते हैं और एक सलूशन कराते हैं दोस्तों, तो उसको जरूर देखा करिए आप लोग, ठीक है। आइए, अब ये आज के लिए प्रश्न है आप लोगों के लिए, आज के लिए एक सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए, इसको आप लोग नोट करिए, लगाइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए कमेंट करके, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। और कल जब हम लोग आएंगे तो इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, तो तब तक के लिए जय जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।